आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी हुज एन टर्म इज गिवन बाई ए एन इक्वल टू 5 - 6 n। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी है और अगर उस एपी का जो nth टर्म है वो 5 - 6 n है तो उस केस में इस एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा, ऐसा फाइंड करने के लिए हम लोगों को बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं इस गिवन कंडीशन के साथ में। तो क्या दिया है हम लोगों को, हम लोगों को एपी का nth टर्म दे रखा है जो कि क्या है, हम लोगों को दिया है 5 - 6 n। तो यहां पर देखिए एपी का nth टर्म है जो कि n के ही टर्म्स में, यहां पे हम देख पा रहे हैं ना। और कभी भी जब एपी का nth टर्म n के ही टर्म्स में हो तो इसका मतलब वो क्या होता है, जनरल टर्म होता है। और जब ये जनरल टर्म है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, n की जगह पे कोई भी नंबर रखकर एग्जैक्टली कोई भी टर्म फाइंड किया जा सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, n की जगह पे क्या रख रहे हैं, n की जगह पे हम लोग 1 पुट कर रहे हैं। तो a1 का मतलब क्या हुआ, एपी का फर्स्ट टर्म। ठीक है भाई, तो जब n की जगह पे यहां पे हम लोगों ने 1 रखा है तो यहां भी क्या रखें, 1 रखें और सिंप्लीफाई करें। तो इसको तो एज इट इज रखा 5 - 6 n है तो 6 रखा और n की जगह पर रख दिया हम लोगों ने 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 एज इट इज हम लोगों ने रखा, -6 और 1 क्या होगा, ये बन जाएगा माइनस का 6। तो 5 - 6 क्या मिलता है हम लोगों को, माइनस का 1। इसका मतलब हम लोगों को क्या मिला, एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया। अगर इसको चाहे तो ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर a1 भी कह सकते हैं। तो a मिल जाता है हम लोगों को क्या, माइनस का 1। और अब हम लोगों को फाइनली निकालना क्या है, एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग एपी के फर्स्ट एन टर्म्स के सम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन से। और जब हम लोगों के पास में एपी का nth टर्म हो और एपी का फर्स्ट टर्म हो तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है, तब उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है, अब ए की वैल्यू हम लोगों के पास में है -1, ए एन की वैल्यू हम लोगों के पास में है 5 - 6 n। जस्ट क्या करें, यहां पर पुट कर देते हैं। सो दिस इक्वल टू, देखो एन अपॉन टू एज इट इज हम लोगों ने रखा और ए की जगह पे हम लोग क्या रखें, -1 जो कि अभी अभी हम लोगों ने फाइंड करी है वैल्यू, प्लस ए एन की जगह पे हम लोग रखें 5 - 6 n। और अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एन अपॉन टू एज इट इज, -1 + 5 क्या हो जाएगा, बन जाएगा 4, माइनस का 6 n एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, n अपॉन टू, तो इस n अपॉन टू का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ करेंगे। तो जब n अपॉन टू का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तब इसको लिख सकते हैं n अपॉन टू इंटू 4, माइनस का साइन रखिए। अगेन n अपॉन टू का मल्टीप्लाई करेंगे 6 n के साथ में, तो इसको लिखेंगे n अपॉन टू इंटू 6 n। 2 से सबसे पहले इसको कैंसिल कर दें, 2 times 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 times। तो यहां से हम लोगों को क्या मिला, 2 into n का मतलब 2 n, माइनस का साइन रखिए। और 3 into n into n क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 n² और ये क्या फाइंड कर दिया हम लोगों ने, एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम फाइंड कर लिया। ठीक है, और यही हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।